मुंबई की लोकल ट्रेन। देखिए इस ट्रेन लोकल ट्रेन में टोटल 12 डिब्बे होते हैं और इसका विशेषता ये है जो इसमें जो सबसे अच्छा व्यवस्था है यहाँ महिलाओं के लिए भी सीट सुरक्षित है, जो वेंडर होते हैं माल इधर से उधर ले जाने वाले उनके लिए भी सीट सुरक्षित है, महिलाओं के लिए भी सीट सुरक्षित है। और सबसे अच्छी बात है जो फर्स्ट क्लास जो होते हैं इसमें फर्स्ट क्लास लोगों के लिए भी इसमें सीट आरक्षित बोगी आरक्षित होता है। तो फर्स्ट क्लास लोगों के लिए जो बोगी आरक्षित होता है उसमें जो जनरल किराया होता है उसका 5 गुना किराया ज़्यादा होता है। तो ये मुंबई की व्यवस्था है। ये तिलक नगर है, ये तिलक नगर स्टेशन है मुंबई का। और मुंबई में और लोकल जो रेल चलती है उसका और भी विशेषता है। एक और विशेषता क्या है कि यहाँ स्लो लोकल भी चलती है और फास्ट लोकल भी चलती है। और फास्ट लोकल और स्लो लोकल का जो किराया है एक समान है। अगर किसी को अगर जल्दी जाना है तो वो कुछ ऐसे स्टेशनों से लोकल चलती है वहाँ से डायरेक्ट ये जनरल का टिकट कटा कि ये फास्ट जो ट्रेन लोकल ट्रेन है उस पर चढ़ के यात्रा कर सकते हैं। ये मुंबई की विशेषता है। और तकरीबन यहाँ ये ऐसा कहा जाए कि मुंबई 24 घंटों का शहर है। और अगर मुंबई का लाइफलाइन कहा जाए तो ये लोकल ट्रेन ही है। तो लोकल ट्रेन यहाँ मुंबई को जोड़ती है। एक ये अभी जो लाइन है यह इसको हार्बर लाइन कहा जाता है। एक और हार्बर लाइन सेंट्रल लाइन में जाके मिल जाती है। इस तरह से क्या है जो मुंबई का शायद ही कोई ऐसा जगह हो जो एक दूसरे से नहीं मिलता हो। और ऐसा कहा जाए कि मुंबई का अगर जो यात्री यात्रा करने वाले हैं या मुंबई इतना डेवलप है तो उसमें रेलवे का ये लोकल ट्रेन है इसका बहुत बड़ा योगदान है। और अभी एक और ट्रेन आने वाली है। ये आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी नगर छत्रपति शिवाजी जिसको CST कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहाँ के लिए जाने के लिए अभी पनवेल के तरफ से यानी लोकल ट्रेन आएगी और छत्रपति CST जाएगी। तो यही इस लोकल ट्रेन का यहाँ मुंबई का विशेषता है। और ऐसा कहा जाए कि लोकल ट्रेन जो है सो मुंबई के खास करके मुंबई के जो रहने वाले हैं उनके जीवन में ये बहुत ही अच्छा योगदान निभाती है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर ये लोकल में कहीं भी जाना हो तो उसका मात्र लोकल में आप ऐसा कहूं कि अगर आप पूरे मुंबई कहीं जाना चाहते हैं पनवेल से लेके CST कहिए या और मात्र 20 रुपया में जो है सो आपका आप बहुत दूर का सवारी कर सके। यानी जनरल 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया इस तरह का किराया है, यानी बहुत ही सस्ता। CST के दिशा से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के तरफ से एक ट्रेन और आ रही है जो वासी तक जाएगी। आप बोर्ड में देख सकते हैं भी ये मतलब वासी तक ये ट्रेन जाएगी।
जैसा कि मैंने बताया था कि देखिए ये लोकल, ये जनरल क्लास है और ये आप, ये सब जनरल क्लास है और बीच में आप देखेंगे, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास है जिसमें सरदार साहब खड़े हैं, ये फर्स्ट क्लास बोगी है, प्रथम वर्ग। यानी लोकल मुंबई का विशेषता है कि लोकल ट्रेन में ही फर्स्ट क्लास बोगी भी है, सेकेंड क्लास भी है, महिलाओं के लिए भी सीट सुरक्षित है, वेंडर जो होते हैं उनके लिए भी सीट सुरक्षित है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी सीट सुरक्षित है। ये मुंबई का विशेषता है लोकल ट्रेन का। इसमें टोटल 12 डिब्बे हैं और अगर ऐसा कहूँ तो जहाँ तक मेरी जानकारी है ये भारत का जो लोकल लाइफ लाइन है, लोकल ट्रेन है, उसमें मुंबई का सेवा बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए एक और ट्रेन आ रही है, ये पनवेल की दिशा से आ रही है, या वासी कहिए, वासी की दिशा से आ रही है, ये CST जाएगी। और अगर जिनको अगर ट्रेन अगर चेंज करना हो तो वो कुर्ला से भी चेंज कर सकते हैं, बडाला से भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ट्रेन से उतरने का कितना अच्छा व्यवस्था है, कोई भी आम आदमी ट्रेन से आसानी से उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं इस ट्रेन पे। देखिए ये प्रथम दर्जा है, ये प्रथम वर्ग का है, यानी इसमें जो टिकट का जो किराया होगा जनरल क्लास से 5 गुना ज़्यादा होगा। ये मुंबई के लोकल ट्रेन की विशेषता है। और ये तिलक नगर है, ये तिलक नगर से ही खास करके पटना के लिए ट्रेनें खुला करती है, तो ये तो लोकल ट्रेन के स्टेशन है और जिसको लोकमान्य तिलक टर्मिनस कहते हैं, यहीं से होके वो ट्रेन जो है स्टेशन पर जाती, यहाँ से जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं सीढ़ी होके यात्री जा रहे हैं LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए जिनको जाना है वो जा सकते हैं, वो जा रहे हैं, आप सीढ़ी पर देख सकते हैं। तो आपने मुंबई का व्यवस्था देखिए देख लिए। अब चलिए मैं आपको सीढ़ी भी दिखा देता हूँ। अगर ऐसा कहा जाए कि मुंबई का जो लोकल ट्रेन है ये भारत का सबसे अच्छा सर्विस देती है तो ये बिल्कुल सही वाक्य होगा, सही कथन होगा। ये देखिए बोर्ड है, इसमें लिखा हुआ है ये धीमी का मतलब 12, इसमें 12 बोगी है। चलिए आपने मुंबई का लोकल ट्रेन देखा और ये वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसको
सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, घंटी को दबा देंगे। चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये तिलक नगर रेलवे स्टेशन है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।